तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक इन्फॉर्मेशन वीडियो पे। तो जैसा कि आप लोग को बता दी, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि शेयर मार्केट में आप लोग को बताएंगे कि जो ट्रेडिंग करना होता है वो कैसे होता है। वो जितना भी ऐप है जैसे कि ऐप स्टॉक हो गया, फिर एंजल हो गया, फिर म्यूचुअल फंड हो गया, ये सभी के बारे में आपको बताएंगे। और उसके बारे में बताएंगे कि सबसे बेस्ट जो है ट्रेडिंग ऐप जो है कौन सा है, वो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। आप यूज कैसे कर सकते हैं, सारा कुछ आप लोग को डिटेल्स में बताएंगे इसकी रिकॉर्डिंग के माध्यम से। तो आगे आप लोग को दिया हुआ है तो आप उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लोग शेयर मार्केटिंग में कमाते हैं, पैसा कमा पाते हैं, या फिर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, सब कुछ उस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब चलते हैं प्ले स्टोर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद जो है सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं, और फिर इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे सर्च वाले आइकन पर, ठीक है। तो उस पर लिखेंगे ट्रेडिंग ऐप, ठीक है। ट्रेडिंग ऐप लिखने के बाद आप लोग को देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस रहेगा, कौन कौन सा जितना भी ऐप है यहाँ पे सब कुछ बताएगा। जैसे कि देख सकते हैं सबसे पहले माता है ग्रो स्टॉक, म्यूचुअल फंड, यूपीआई जो भी है, फिर अप स्टॉक्स रहता है, फिर एंगल वन स्टॉक्स रहता है, फिर ट्रेडिंग व्यू, ट्रैक ऑल मार्केटिंग मार्केट्स, फिर उसके बाद क्या है ओलियम ट्रेड्स, फिर एंगल वन स्ट्रोक्स, फिर उसके बाद नीचे आते हैं investmic.com स्टॉक मार्केटिंग, ये सब जितना भी है और भी आते हैं नीचे। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंडलेंस मार्केट्स, फिर ट्रेंडिंग ऑक्ट्रा, स्मार्ट ट्रेंडिंग ऐप, ये सब है। तो ये पे देखिए, सब पे भरोसा करने का तो है नहीं, कौन सा रियल है कौन सा फेक है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा गूगल की ओर, तो गूगल पे क्या बोलता है वो देखते हैं। इतना आप लोग को ऐप दिखा दिए, अब सभी के बारे में आप लोग को एक एक बार करके बताएंगे कि कौन सा ऐप कैसे काम करता है। मान के चलिए अब ये अप स्टॉक्स, तो ये आप देख सकते हैं ग्रो है स्टॉक्स, तो इसको देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करेगा। फिर आगे आप लोग को जितना भी ऐप है फिर उसके बारे में बताएंगे कैसे काम करेगा। अब चलते हैं गूगल की ओर, गूगल पे आए, बेस्ट ट्रेंडिंग ऐप लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं सबसे ऊपर आता है ये, फिर उसके बाद आता है, फिर इसके बाद ये सब आज जो भी वहाँ पे बताया गया था यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं, डिटेल्स लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक वेबसाइट हम ऑन किए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं एक वेबसाइट ऑन किए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे अच्छा ट्रेंडिंग ऐप कौन सा है, या फिर शुरुआती के लिए कौन सा ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है, फिर भारत का नंबर वन ट्रेंडिंग ऐप कौन सा है, शेयर मार्केटिंग के लिए कौन सा ऐप डाउनलोड करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि सबसे अच्छा ट्रेंडिंग ऐप कौन सा है। और आज हम आपको इस आर्टिकल के इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो आर्टिकल के जरिए हम भी आपको जानकारी दे रहे हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए ट्रेडिंग ऐप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी मदद से आप घर बैठे शेयर मार्केट में अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि डीमैट अकाउंट खोलने के लिए ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ऐप कौन सा है, तो चिंता मत करिए, नीचे दी गई लिस्ट हमने 10 ऐसे ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे जो कि पूरे भारत में सबसे भरोसेमंद है। सबसे अच्छा ट्रेंडिंग ऐप कौन है, नीचे दी गई लिस्ट में हमने आपको सबसे अच्छे ट्रेंडिंग ऐप कौन सा है इसके बारे में पूरी जानकारी दी, ताकि आपको शेयर मार्केट में आपको अकाउंट खोलना तो हो तो आपको इसमें कोई परेशानी ना आए, ठीक है। उसके बाद नीचे करते हैं, पहला है, फर्स्ट है ज़ेरोधा। ज़ेरोधा जो क्या है, अगर आप किसी भरोसेमंद स्टॉक वोकर की तलाश कर रहे हैं तो नंबर वन पे ज़ेरोधा आता है। साथ ही आपको ज़ेरोधा में कम बैकक्रोज रेट मिलता है, और सिर्फ ज़ेरोधा में आपको बाकी स्टॉक वोकर से सबसे सस्ता वोकरेज रेट मिलता है, जिसे कि कारण ज़ेरोधा शेयर मार्केट का सबसे अच्छा ऐप है। अब क्या होता है ये सब, ये ज़ेरोधा या फिर ब्रोकरोज क्या होता है, ये सब आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को ऑन रखिएगा, सभी के बारे में डिटेल्स आपको इसी अब यही वीडियो आप लोग को चैनल पे मिलने वाला है। फिर क्या होता है,
ज़ेरोधा के कितने ऐप पूरे भारत में सबसे प्रसिद्ध ऐप है। इसमें आपको निवेश करने के लिए हज़ारों सिक्योरिटीज़ और बहुत सारे चार्ट एडिकेटर मिलते हैं, जिनकी मदद से आप किसी भी शेयर का एनालिसिस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ज़ेरोधा ऐप के फ़ायदे क्या है ये आप लोग को बता दें। जैसे कि आप ज़ेरोधा की ट्रेडिंग ऐप मोबाइल में बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ज़ेरोधा में आपको 100 से ज़्यादा भी इंडिकेटर मिलते हैं किसी भी शेयर के एनालिसिस करने के लिए। तो इंडिकेटर क्या होता है वे भी आपको बताएंगे। तो होता है अप स्टॉक्स, तो अप स्टॉक्स क्या है, जैसे कि तो अप स्टॉक ट्रेंडिंग करने के लिए दो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ट्रेंडिंग ऐप है। अगर आप घर बैठे डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अप स्टॉक के लिए सबसे अच्छा ट्रेंडिंग ऐप है। फिर अगर आज के समय में अप स्टॉक पूरे भारत में जब सबसे लोकप्रिय ट्रेंडिंग ऐप में से एक में आता है और इसमें आपको स्टॉक मार्केट का रियल टाइम डाटा दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अप स्टॉक के बारे में। अब आता है एंगल वन, ठीक है, जो कि सारे हम प्ले स्टोर में आप लोगों को दिखाए हैं। तो एंगल वन क्या होता है, एंजल वन ट्रेंडिंग ऐप भारत में काफ़ी लोकप्रिय है और ये बहुत सालों से लोगों को शेयर मार्केट की सारी सुविधा दे रहा है। इसकी मदद से शेयर मार्केट में शेयर खरीदा और बेचना बहुत ही आसान है और साथ ही आपको इसकी मदद से गोल्ड म्यूचुअल फंड जैसे एसेंट में भी निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो एंगल वन के बारे में पता चल गया आपको। अब आता है फाइव पैसा, तो फाइव पैसा ऐप में बहुत आपको बहुत कम ब्रोकरेज रेट मिलता है और साथ ही 2016 से लोगों को शेयर मार्केट की सारी सुविधा दे रहा है। इसकी SEBI रजिस्ट्रेशन नंबर इतना होता है और ये 5 पैसे कैपिटल लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। उसके बाद आता है पाँचवा नंबर पे ग्रो ऐप। तो ग्रो ऐप सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप अपनी शुरुआत म्यूचुअल फंड में निवेश से करना चाहते हो तो ग्रो ऐप के लिए बहुत अच्छा रहेगा और ग्रो ऐप ने अब तक की 50 लाख से भी ज़्यादा लोग की डीमैट अकाउंट खोल दे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ग्रो ऐप के बारे में क्लियर हो गया। अब चलते हैं HDFC सिक्योरिटीज, पूरे भारत में काफ़ी प्रसिद्ध ऐप है और आपका इसकी मदद से घर बैठे अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है शेयर खान। शेयर खान ट्रेनिंग ऐप एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप शेयर मार्केटिंग में ट्रेन कर सकते हैं और इसकी मदद से किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड जैसे एसेंट में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, इसके बारे में क्लियर हो गया। अब आता है मोतीलाल ओसवाल। तो मोतीलाल ओसवाल जो है एक बहुत ही अच्छा स्टॉक ब्रोकर है जो कि जहां पे आप अपनी आसानी से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और ऐसे में आपको 1 साल के लिए AMC फ्री है। मोतीलाल ओसवाल ने 25 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अपने डीमैट अकाउंट खोले हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब नीचे आते हैं ET Money। ET Money क्या है, तो ET Money एक बहुत ही अच्छा ऐप है जिसकी मदद से आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं और इसमें अकाउंट खोलने के लिए आपको 400 रुपये लगते हैं जो कि सिर्फ एक बार ही देना होता है। क्लियर हो गया। और दसवां है फिर ICICI Direct। तो ICICI Direct एक अच्छा स्टॉक ब्रोकर है जहाँ पे आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। इसकी मदद से आप स्टॉक FNO म्यूचुअल फंड बॉन्ड और IFPO में बड़ी आसानी से निवेश कर सकते हैं। फिर आता है SBI सिक्योरिटीज़। तो बहुत ही अच्छा है SBI सिक्योरिटीज़ और भरोसेमंद स्टॉक ब्रोकर है। यहाँ पे आपको अकाउंट खोलने के लिए 850 रुपये देंगे होंगे, उसके बाद जो है इसमें AMC यानी अकाउंट में मेंटेन चार्ज 750 रुपये हर, तो इसके बारे में जानकारी मिलेगा तो आपको बताएंगे। फिर आता है कटक। तो कटक सिक्योरिटीज़ बहुत ही भरोसेमंद और अच्छा स्टॉक ब्रोकर है। आपको उम्र 30 साल के अंदर है तो आप इसमें
₹299 से अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है तो आप ₹999 में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है शुरुआती के लिए कौन सा ट्रेंडिंग ऐप प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा होगा। तो अगर आप अभी शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू करने वाले हैं तो आप मन में है तो ये भी सवाल आता होगा कि शुरुआती के लिए कौन सा ट्रेंडिंग ऐप प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है। तो हम आपको बता दें कि जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, फाइव पैसा, एंगल वन, ये सब ट्रेंडिंग ऐप जो शुरुआती लोग के लिए सबसे अच्छे हैं और आप इनमें फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, आगे बताएंगे डीमैट अकाउंट कैसे खुलेगा नहीं खुलेगा।